काशीपुर में आम आदमी पार्टी की चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों के हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में ही पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान 15 नवंबर को किसान संकल्प यात्रा लेकर उत्तराखंड आ रहे हैं, जो जसपुर से खटीमा तक जाएगी और इस दौरान 6 जनसभाओं के साथ साथ 9 विधानसभाओं में रोड शो भी किया जाएगा। काशीपुर में सांसद श्रीमान किसान संकल्प पत्र का विमोचन भी करेंगे, जिसमें किसानों से जुड़ी मूलभूत और महत्वपूर्ण सुविधाओं का जिक्र होगा। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ बंद किया जा रहा है? देश भर में केंद्र सरकार की योजना, दिल्ली सरकार की और बढ़ा दी गई है। तो जो आज जनता जिस कोविड के बाद जिस तरीके की परेशानियों से जूझ रही है, अभी इस योजना को बंद करने का समय नहीं था। अभी इस योजना को आगे तक के लिए सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पत्र लिखकर यह अपील की थी कि इस योजना को बढ़ाया जाए। प्रिंट मीडिया यात्रा शुरू हो रही है, ये जसपुर से शुरू होगी 15 तारीख की सुबह और पूरे उधम सिंह नगर की जो हमारे 9 विधानसभा हैं उन सब में जाएगी और इसका जो समापन है वो सितारगंज में होगा। 15 तारीख को पहले ये जसपुर से शुरू होगी और काशीपुर होते हुए बाजपुर, उसके बाद 16 तारीख को सुबह ये गदरपुर से रुद्रपुर होते हुए किच्छा और फिर तीसरे दिन मतलब 17 तारीख को खटीमा से शुरू होकर नानक पता साहब होते हुए सितारगंज में इसका समापन होगा। मानी जी आपने जिस तरीके से देखिए, उत्तराखंड का किसान बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें गन्ने की पेमेंट को लेकर है, कुछ चीनी मिलें जो हैं वो सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं घाटे को बताकर, लेकिन घाटा क्यों हो रहा है इसके लिए कोई भी योजना नहीं बनाई गई। बिजली की समस्या है किसानों के लिए, जिसके लिए पूर्व में भी हम जब हमने 300 यूनिट बिजली का वादा किया था तो उसमें किसानों के लिए भी खेती के लिए मुफ्त बिजली का वादा किया था। तो इसी तरीके की जो किसानों के सामने समस्याएँ हैं उन्हीं की महत्वपूर्ण योजनाओं पर महत्वपूर्ण घोषणाओं पर बात करेंगे। देखिए, शिक्षा के लिए बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षा का मॉडल तो आज देखिए, अगर तो आज मनीष सिसोदिया जी पूरे भारत के अंदर अगर एक शिक्षा मंत्री की बात आती है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ तो हमारे डिप्टी सीएम साहब जो शिक्षा मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, उन्हीं का नाम आता है। तो शिक्षा से ही समाज बदलेगा, ये तो मूल मंत्र है पार्टी का। तो शिक्षा में तो सुधार, शिक्षा में घोषणा की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर शिक्षा में तो सुधार होना ही होना है। अगर आप देखेंगे कि नीट की परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के इतने बच्चों ने उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और वहाँ से पास होने वाले बच्चे ही कल के इंजीनियर डॉक्टर सरकारी स्कूल के, आप समझिएगा, तो वो लोग इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इतना महत्वपूर्ण बदलाव देश के अंदर दिल्ली की सरकार कर रही है तो उत्तराखंड में तो ये बदलाव होना ही होना है। सरकार बनने के बाद शिक्षा से बड़ी योजना पार्टी के लिए और क्या हो सकती है, वो मूल मंत्र है। देखिए, काफ़ी समय से, एक साल से भी ज़्यादा समय हो गया और देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है और आज हमारे अन्नदाता जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे सैकड़ों किसानों की वहाँ शहादत भी हो चुकी है। उसके बावजूद केंद्र सरकार के कानों पर जूनी नहीं रही है और वो तीनों काले कानून जो हैं उनको वापस नहीं ले रही है। इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी लगातार किसानों के इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। हमारे संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किसानों का भरपूर साथ दिया गया और दिया जा रहा है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में हमारे पंजाब के सांसद और हमारे नेता भगवंत मान जी 15 तारीख से किसान संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो कि जसपुर से शुरू होगी और पूरे उधम सिंह नगर में होते हुए खटीमा तक जाएगी। इसमें
उनकी यात्रा के बीच बीच में उधम सिंह नगर में 6 जनसभाएं भी हैं, जिसके लिए जब से इस बात को कि भगवंत मान जी उधम सिंह नगर में किसानों के लिए समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, तब से किसान भाइयों का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 2022 का जो चुनाव लड़ने जा रही है, तो हमारे नेता भगवंत मान जी किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करेंगे, जिसमें वो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक किसान संकल्प पत्र उसका विमोचन करेंगे और उसमें उनके द्वारा उत्तराखंड के किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, जिससे कि हमारा अन्नदाता उत्तराखंड में जिन जिन समस्याओं से जूझ रहा है, आम आदमी पार्टी 2022 में सरकार बनाने के बाद उनकी उन समस्याओं को दूर करेगी, उन्हीं समस्याओं को लेकर ही ये महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से अपने 15 तारीख की सुबह से जो यात्रा किसान संकल्प यात्रा जो शुरू हो रही है जसपुर से, वो अपनी बात को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए आज की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था।